अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद करामत हुसैन। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसने सिर्फ 5 दिन में 10 लाख सब्सक्राइबर हासिल कर लिए, जिसे चैट जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। उसके अलावा ये 22 नवंबर 2022 में ये लॉन्च हुई और इसको लॉन्च करने वाली जो कंपनी है उसका नाम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इस एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसे डीप लर्निंग एल्गोरिदम कहते हैं, जिसकी बेस पर यह काम करता है। यानी कि इंसानों के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को ये नोट करता है और नोट करने के बाद ये उसके हिसाब से उनका आंसर करता है। अगर हम इस पर कोई सवाल सर्च करते हैं तो ये उसके हिसाब से उसका बेहतरीन आंसर प्रोड्यूस करता है। ये एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये एक ट्रांसलेशन का भी काम करता है। यानी अगर आप किसी चीज़ किसी लैंग्वेज में अगर कोई अपना पैगाम पहुंचाएंगे तो उसके हिसाब से ये आपको आंसर भी कर देगा, उसके ट्रांसलेशन कर देगा। उसके अलावा ये सिलेक्टिव मटेरियल को समराइज भी कर देता है। यानी अगर हमें किसी चीज़ की समरी चाहिए, किसी आर्टिकल की समरी चाहिए या किसी रिसर्च पेपर की समरी चाहिए या किसी नॉवल की समरी चाहिए, तो उसको समराइज करके हमारे पास एक बेहतरीन और ये हमें आसान लफ्जों में जवाब देता है और उसके अलावा आसान सा खुलासा भी बयान करके देता है। और इसके अलावा ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग का भी काम करता है, यानी कि व्हाट इट कैन डू। और अगर हमने कोई नॉवल लिखना है तो चैट जीपीटी हमें नॉवल लिखकर भी देगी। और अगर हम चैट जीपीटी का मुबादला करें तो हमारे सामने 5 चेयर्स हों और उन पर 4 स्कॉलर्स यानी कि साइंटिस्ट बैठे हों और 5वीं चेयर पर चैट जीपीटी हो, तो चैट जीपीटी के पास ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा डाटा होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो फिलहाल चैट जीपीटी का लिमिटेड वर्जन है, और फ्यूचर में हो सकता है कि चैट जीपीटी के पास हमारी कंप्लीट हिस्ट्री होगी और हमारी मेडिकल हिस्ट्री होगी जिसकी बेस पे वो काम करेगी। और इसके अलावा फ्यूचर में इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि चैट जीपीटी हमारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करेगी। अगर कोई अलोन पर्सन है तो चैट जीपीटी उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए भी काम करेगी। और फ्यूचर में इसके अलावा चैट जीपीटी डॉक्टर्स का भी काम करेगी, साइंटिस्ट का भी काम करेगी, और यानी कि लेबोरेटरी वर्क भी करेगी और एज अ क्लिनिकल वर्क भी करेगी। क्योंकि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि हमारे डेली का प्लान यानी कि हमारे रोज़मर्रा के काम उसमें हेल्प करेगी हमारी। और इसके अलावा हमने किस टाइम एक्सरसाइज करनी है, हमने किस टाइम खाना खाना है, इन सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करेगी। हाउ टू इम्प्रेस समवन, चैट जीपीटी के थ्रू आप किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने वर्क से दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं और इसके अलावा अपने कोलीग्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप बना के देगी ताकि आप लोगों को अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकें। इसके अलावा चैट जीपीटी एक टीचर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, यानी कि उसके डेली बेस पे जो उसने लेसन प्लान बनाना है और बच्चों को किस तरह डील करना है उसमें भी मदद करेगी। और उसके अलावा आप चैट जीपीटी के थ्रू आप क्रिमिनल केसेस भी हल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप फ्यूचर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और आपको ये तरह तरह के फूड डिशेस भी बनाना सिखा सकती है। और इसके अलावा चैट जीपीटी से गूगल को भी खतरा है, लेकिन गूगल के पास फिलहाल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, यानी कि इमेजेस हैं, वीडियोस हैं और ऑडियोज हैं। और इसके अलावा जो चैट जीपीटी है इस पर फिलहाल टेक्स्ट मौजूद है। और इसके अलावा गूगल पर हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें तरह तरह की वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, लेकिन चैट जीपीटी में जस्ट हम एक क्वेश्चन के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक में हासिल कर लेते हैं। और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट की शक्ल में हमारी हर काम में मदद भी करेंगे।